इस पूरे इलाके में कई पैंथर हो गए हैं। पैंथर ने उसके ऊपर हमला किया और उसको दबोच कर घसीट कर ले गया। कहीं सर मिला, कहीं धड़, कहीं हथेली मिली तो कहीं कपड़े। गोगुंदा से झाड़ोल जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। चार पिंजरे वहां पर लगाए जा चुके हैं। नांदेशमा के लोग टेरर में हैं पिछले 1.5 महीने में। अब जरूरत है वन खंड में चार दीवारी लोहे वाली जो है तारबंदी वो करवा देनी चाहिए। पैंथर लगभग हर गांव के आसपास में है। बचाव का एक उपाय है, खेतों में जंगल में ना जाए। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर जिले का गोगुंदा थाना क्षेत्र सुर्खियों में है। इस क्षेत्र के छाली गांव में एक पैंथर ने 3 लोगों की जान ले ली थी। 18 से 22 सितंबर के बीच लोगों पर अटैक करने का सिलसिला जारी रहा था। यहां पर जो है वन विभाग की 4 जिलों की 7 टीमों ने लगातार मॉनिटरिंग की, निगरानी की, सर्च ऑपरेशन चलाया। उसके बाद 6ठे दिन जो है टीमों को सफलता मिली और 2 पैंथर जो है पकड़ में आए थे, पिंजरों में कैद हुए थे, जिनको उदयपुर के बायो पार्क में ले जाया गया। उसके बाद में इलाके में शांति थी, गांवों के लोगों ने राहत की सांस ली थी, वन विभाग की टीमों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन ये राहत की सांस महज 12 घंटों तक रही। आपको बता दें कि बुधवार रात को मजावत ग्राम पंचायत के कुड़ौ गांव में एक पैंथर ने एक बच्ची के ऊपर अटैक कर दिया। जानकारी के अनुसार बच्ची की उम्र 6 साल थी, उसका नाम सूरज, उसके पिता का नाम घमेरलाल घमेती। बच्ची जो है अपनी माँ के साथ में नाले के पास गई थी, उसकी माँ कुछ कपड़े वगैरह धो रही थी, वहीं बच्ची अपने हाथ पैर धो रही थी, तभी पैंथर आया। पैंथर ने उसके ऊपर हमला किया और उसको दबोच कर घसीट कर ले गया। कुड़ौ गांव से जहां से पैंथर ने अटैक किया वहां से तकरीबन 600-700 मीटर ऊपर पैंथर उसे ले गया। बुधवार रात को ही ग्रामीणों को जैसे इसके बारे में पता पड़ा तो लोग जंगल की तरफ भागे और उनको झाड़ियों के पास में एक हाथ की जो है हथेली वो कटी पड़ी हुई मिली। उसके बाद थोड़े और आगे बढ़े तो वहां पर पैंथर का नोचा हुआ, खाया हुआ एक शव मिला। वो उसी बच्ची का शव था। पैंथर ने बुरी तरीके से उस चेहरे को नोच लिया था, वहीं बाएं हाथ को जो है पूरा वो चट कर गया था, साथ ही उसकी बाईं टांग को भी आधी घुटने तक खा चुका था। वहां पर लोग पहुंचे तभी पैंथर जो है वापस झपट के आया, गुर्राया लोगों के ऊपर और फिर उस शव को जो है वो दबोच कर ले भागा। रात में लोगों ने काफी ढूंढा। गोगुंदा थानाधिकारी शैतान सिंह मेज आपते के वहां पहुंचे। यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य दिलीप गमेती पहुंचे, सरपंच के परिवार से, उप सरपंच के परिवार से और वार्ड पंचगण भी वहां मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ में जंगल में आसपास में ढूंढने के काफी प्रयास किए, लेकिन शव जो है रात को नहीं मिला। सुबह वापस सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इधर जो है BAP प्रत्याशी रहे उदयलाल कटारा के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासी समुदाय के लोग कुड़ौ चौराहे के ऊपर एकत्र हुए और गोगुंदा से झाड़ोल जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ों को काट कर नीचे धराशायी कर दिया। देखने वाली बात है, आदिवासी समुदाय तो पर्यावरण की रक्षा करने वाला समुदाय है, उन लोगों ने बड़े बड़े पेड़ों को काट कर यहाँ पर धराशायी कर दिया और सड़क पे डाला। जाम ही लगाना था, वो खड़े रह सकते थे सड़क पे, लेकिन पेड़ों को काट कर जो है वहां पर सड़क पर डाल दिया गया। उन्होंने पास में पड़े हुए सीमेंट के खंभों को भी सड़क पर आड़े लगा दिया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लगी और आवाजाही जो है बंद रही। बाद में SDM डॉक्टर नरेश सोनी, तहसीलदार ओम सिंह लखावत मौके पर पहुंचे, शैतान सिंह नाथावा जो थानाधिकारी है वो भी महज आपते के वहां पहुंचे। तकरीबन 11:30-12 बजे के समथिंग ये रास्ता जो है समझाइश के बाद उन्होंने खुलवाया। तो कहा जा सकता है 5 से 6 घंटे तक ये रास्ता बंद रहा। इस दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबकी मांग थी कि पैंथर को जो है जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और जितने हमले हुए हैं और इन हमलों में जिन जिन लोगों की मौत हुई है उनके मृतकों के परिजनों को जो है मुआवजा दिया जाए, ये मुख्य तौर पर उनकी मांगे थी। जिस पे समझाइश के बाद में वो रुके और आश्वासन मिलने के बाद में उन्होंने रास्ता खोला और मार्ग जो है सुचारू हुआ था। इधर जो है वन विभाग की टीमें जिसमें SEF महेंद्र सिंह चुंडावत, DFO अजय चित्तोड़ा, वनपाल कल्याण सिंह जाला सहित आसपास की कई टीमें जो है वहां पर पहुंची। बुधवार रात को ही घटना स्थल के पास में जो है एक पिंजरा लगा दिया गया था, उसमें बकरे का मांस रखवाया गया। वहीं एक जो है पिंजरा आज दोपहर में पहुंचाया गया। क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पे जाना मुश्किल है, दुर्गम रास्ते हैं, वन विभाग की टीम को वास्तव में धन्यवाद है कि इन दुर्गम रास्तों पे वो जो है मशक्कत करके इन पिंजरों को जो है वहां पर ले जा रहे हैं। अभी तक जो है
है, चार पिंजरे वहां पर लगाए जा चुके हैं। दोपहर 12 बजे तक वन विभाग की टीमों ने पहाड़ियों पर शव को खंगालने का कोशिश किया। इस दौरान टीम को प्यास भी लगी। देखिए इस तरीके से उन्होंने प्यास बुझाई है, नदी में बहते हुए पानी से अपने हाथों में लकड़ियां लेकर सभी लोगों ने जो है जंगल में जाकर तलाशी की। लगभग 3-4 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला। इसके बाद एक जगह पर जाकर एक बरगद के पेड़ के नीचे बच्ची का सिर मिला, ओनली सिर वहां पर पड़ा हुआ मिला, और उससे थोड़ी दूरी पर बच्ची का धड़ मिला और उस धड़ में उसका सीना पूरा खाया हुआ मिला। यहां से वो पैंथर सारा मांस जो है नोच के खा गया था। पैंथर की तलाशी अभी जारी है, पैंथर हाथ में नहीं आया। बेटी का जो है क्षत विक्षिप्त शव वो जरूर मिला है। परिजनों का रो रो के बुरा हाल था। गमगीन माहौल में कुड़ऊ गांव के शमशान के पास उसका मिट्टी दाह किया गया। आपको बता दें कि पैंथर की संख्या कम नहीं है इस इलाके में। मैं बार बार कह रहा हूँ, वन विभाग के अधिकारियों से भी निरंतर मेरी बात होती रही है, इस इलाके में कई पैंथर है। आप में से लोग कमेंट करके बताइए कि किस गांव में पैंथर नहीं है। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में 99 ग्राम पंचायतें हैं और हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में पैंथर नजर आता है। मैं जब भी कहीं गांव में जाता हूं तो लोग पैंथर का जब बात चलती है तो लोग बताते हैं कि उनके गांव के पास में पैंथर है। अब ये देखिए, एक वीडियो भेजा है, ये कमोल ग्राम पंचायत के समीप जो जरगा आंबा गांव है उसके पास जो माइंस है उसके अंदर ये पैंथर है। वहां पैंथर के छोटे छोटे बच्चे भी है, तो वहां 4-5 पैंथर है। विभाग का भी मानना है कि यहाँ पर वन विभाग की नर्सरी है और यहाँ पर पैंथर रहते हैं। फिर हम बात करते हैं नांदेशमा रोड पर जब जा रहे हैं, नांदेशमा के लोग टेरर में है पिछले 1.5 महीने में। तो जो लोग गोगुंदा से जसवंतगढ़ होते हुए नांदेशमा जाते हैं तो जसवंतगढ़ से नांदेशमा के बीच में सुधा मात्रा के आसपास अक्षर रोड के ऊपर पैंथर नजर आता है। और ये पैंथर देखिए इस वीडियो में, ये झाड़ियों में छुप रहा है, गाड़ी वाला वीडियो ले रहा है। तो हर गांव में ये आसान हो गया है पैंथर को देखना, और कई लोग जो जंगल में पशुओं को चराने जाते हैं, खेतों में काम करने जाते हैं, उनको पैंथर नजर आ रहे हैं। गोगुंदा से हम जब चलते हैं तो गोगुंदा विजय बावड़ी के बीच में सर पैंथर देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि यही इसी रोड पे, छाली वाले रोड पे, पहले छाली में पैंथर ने हमले किए थे, अब मजावत में किए हैं। मतलब वो पैंथर वही है या दूसरा है, पर पैंथरों के ये जो मामले ये धीरे धीरे गोगुंदा के पास आते जा रहे हैं। पहला जो मामला था वो 18 किलोमीटर दूर था, अब 9 किलोमीटर दूर हुआ है। अब जो आप देखेंगे कि बगड़ुंदा ग्राम पंचायत में गुजरों का गुड़ा एक गांव है, गुजरों का गुड़ा गांव में जो पुरानी स्कूल बंद हो चुकी है उसके पास में अक्सर पैंथर देखा जाता है। वहां के गांव के लोगों ने बताया कि पैंथर की आवाजाही सामान्य है, वो गांव के पास तक आ जाता है और स्कूल को अपना घर बना रखा है। तो मैं इससे यही बताना चाह रहा हूं कि इस पूरे इलाके में कई पैंथर हो गए हैं, और अब जरूरत है वन खंड में किस तरीके से सीमा पे, भारत पाकिस्तान की सीमा पे जो तार बंदी है इतनी ऊंची ऊंची, क्यों ना इस तरह का बड़ा इलाका जो नरेगा में पैसा, मनरेगा के तहत जो वन विभाग में जितना पैसा खर्च हो रहा है, मनरेगा के तहत ही आप 8 फीट या 7 फीट ऊंची उस तरह की लोहे की मजबूत चारदीवारी जंगलों में करवा दे और उनके अंदर ऐसे पैंथरों को छोड़ दिया जाए। तो पैंथर जो है जो इनको जंगल में रहना चाहिए वो जंगल में भी रह पाएंगे, सुरक्षित वो भी रह पाएंगे और मानव जीवन भी जो है वो सुरक्षित रह पाएगा। तो मेरा ये सुझाव है, जितने जनप्रतिनिधि भी इसे सुन रहे हैं देख रहे हैं, तो आप सब लोगों को ये करना चाहिए कि मनरेगा के तहत वनों के अंदर चार दीवारी लोहे वाली जो है तारबंदी वो करवा देनी चाहिए। ये एक उपाय होगा पैंथर को सुरक्षित रखने का और लोगों को सुरक्षित रखने का। अन्यथा पैंथरों की संख्या तो बहुत बढ़ गई है और जंगलों में जीवों की संख्या भी कितनी रही है। जब जीव ही नहीं है पैंथर के खाने के लिए तो वो गांव की ओर क्यों नहीं आएगा, वो मानव का शिकार क्यों नहीं करेगा, आखिर उसे भी पेट भरना है, तो वो किसी न किसी से तो पेट भरेगा। पैंथर लगभग हर गांव के आसपास में है, ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन द्वारा और वन विभाग की टीम द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि सुबह के समय और शाम को 4 बजे के बाद के समय खेतों में जंगल में ना जाएं। कोशिश करें अगर आपके आसपास में कहीं पैंथर दिखा है, ऐसी कोई सूचना है, तो आप जंगल में ना जाएं। यही अभी फिलहाल बचाव का एक उपाय है। डेली राजस्थान पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए ताकि कई लोगों तक ये पहुँच सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।